नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं अश्वगंधा के बारे में। अश्वगंधा के फायदे क्या है, उसको खाने के फायदे और उसके नुकसान आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास है अश्वगंधा चूर्ण और उसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी समय से मतलब मैं इसको ले रहा हूँ, लगभग 4-4.5 सालों से मैं इसका रेगुलर इस्तेमाल कर रहा हूँ, राइट। और इससे मेरे को बेनिफिट भी बहुत सारा हुआ है। मेरा मेमोरी लेवल, ब्रेन लेवल, इम्यून सिस्टम, स्ट्रेंथ, पावर, सब कुछ बढ़ा है। तो आज मैं आपको 1 by 1 किस तरह इसका इस्तेमाल करना चाहिए और इससे क्या क्या लाभ है और इसके सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए, इससे हानि क्या हो सकती है, वो डिस्कस करने वाले है, राइट। तो पहली बात करें तो अश्वगंधा चूर्ण को कायाकल्प एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इससे आपकी जो काया है वो बिल्कुल बदल जाती है। आप पहले जो थे और उसके बाद इस्तेमाल करने के बाद आप में जो परिवर्तन आता है वो काफी अच्छा होता है। इसीलिए इसको कायाकल्प एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक अध्ययन के अनुसार पता चला है कि कैंसर जैसे भयानक रोगों को आगे बढ़ने से ये अश्वगंधा रोकता है, राइट। और डिप्रेशन और स्ट्रेस तो बहुत ही कम करता है, राइट। अगर आपको बहुत सारा डिप्रेशन रहता है, स्ट्रेस रहता है, तो इसका आप इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे अकॉर्डिंग टू, मतलब मैं यहाँ पे जो क्वांटिटी दी गई है, राइट, 2.5 ग्राम वंस और ट्वाइस अ डे विथ लुकवॉर्म वाटर और मिल्क, तो आपको कोई मतलब में प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका जो डिप्रेशन लेवल है, स्ट्रेस लेवल है, बिल्कुल कम हो जाएगा, आपको बिल्कुल टेंशन होगा नहीं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी ये काम आता है। अगर आपको चोट लगी है तो अगर आपके जो वाउंड्स है, घाव है, वो जल्दी भर जाए तो हीलिंग योर वाउंड्स ऑल्सो, आप उसमें भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घाव जल्दी से भर जाएंगे, आपका इम्यून सिस्टम इम्प्रूव होगा। और अगर आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज रिड्यूस करने में भी काफ़ी हेल्पफुल है ये अश्वगंधा। और हाँ, मेन जो इसका मतलब में वाइगरस इफेक्ट भी है, इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इनटू योर बॉडी, राइट। तो मतलब में मेन के आदमी की बॉडी के अंदर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है उसको बढ़ाता है, माने वाइगरस इफेक्ट और कामोद्दीपक गुण भी इसमें होता है, राइट। मस्कुलर स्ट्रेंथ आपकी डेवलप होती है, आपका मेमोरी पावर बढ़ता है अश्वगंधा से, अच्छी नींद आती है अश्वगंधा से। लेकिन दोस्तों, अश्वगंधा के इतने सारे फायदे हैं, लेकिन थोड़े परहेज, थोड़ी जो मतलब में सावधानी रखनी है, इसकी बताई गई क्वांटिटी के अनुसार ही आपको लेना है, इससे ज्यादा आपको लेना नहीं है, क्योंकि अश्वगंधा से पित्त बढ़ता है, राइट। और पित्त की ज्यादा मात्रा शरीर के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए कितना लेना चाहिए, 2.5 ग्राम वंस और ट्वाइस अ डे आप ले सकते हैं। मैं 4-4.5 साल मतलब में हो चुके हैं रेगुलर इस्तेमाल करता हूं। और ज्यादा सेवन कर लेंगे तो आपके पेट में दर्द, उल्टी, डायरिया जैसी समस्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने पूरा टोटल अश्वगंधा जो मैं यूज कर रहा हूं, मुझे पता है कि कितना इसका फायदा है, कितना मतलब में नुकसान है। नुकसान बहुत कम है, फायदा बहुत है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे जितनी मात्रा बताई गई है उससे अगर आप लेते हैं तो कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं है, राइट फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।